हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं ये मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका हमने प्रेशर मार के प्रेशर चेक किया तो बाहर से कहीं लीकेज नहीं था, अंदर से लीकेज बता रहा था, यानी कूलिंग कॉइल में से आवाज़ आ रहा था। तो इसलिए हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं, और इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है ये सब आपको मैं आज लाइव दिखाऊंगा। जैसा कि ये साइड पैनल हो गया, ये रही कंसोल बॉक्स का, कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा, गियर बॉक्स को खोल के पलटी मारना पड़ेगा। कैसा कैसा क्या क्या खोल रहा हूँ सब आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैंने कंसोल बॉक्स खोला। कंसोल बॉक्स में यानी ये जो पीछे दो क्लिप रहती है वो खोल देने का, ये इजिली पूरा बाहर खींच के आ जाता है। उसके बाद यहाँ का पैनल जो कुछ होल्ड वगैरह करने के लिए रख देता है, यहाँ का पैनल भी इजिली निकल जाता है। और उसके बाद ये चार नंबर, चार बोल्ट जो है 12 नंबर, ये चारों बोल्ट गियर बॉक्स में फिट रहता है। गियर बॉक्स को खोल के मैंने पलटी मार दिया हूँ इसको। और उसके बाद ब्लोअर की सॉकेट रही, ये सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डैशबोर्ड के एंगल के अंदर रहता है, डैशबोर्ड के साथ रहता है, तो ये आपको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो ये फंस जाएगा। यानी ये बॉडी यानी ब्लोअर का सॉकेट है, इसमें ब्लोअर है और रेजिस्टेंस है और कूलिंग कॉइल का सेंसर का है। और उसके बाद ये बाजू जो देख रहे हैं ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये आपका हो गया आउटसाइड एयर का मोटर का है, और ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। और 12 नंबर 2 निकालना पड़ेगा, वहाँ खोलना पड़ेगा साइड का। और यहाँ का जो देख रहे हैं ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये पैनल खोलना पड़ेगा। और उसके बाद आपको दिखा दे रहा हूँ ये ड्राइवर साइड, ये वाली अर्थिंग की निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 सॉकेट है, ये चारों सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेयरिंग के पास ये वाले जॉइंट के पास दोनों बोल्ट नंबर 12 नंबर लूज करके इसको ऊपर या नीचे लेकर के निकाल दे। और ये वाली केबल रही, ये रही हीटर का केबल, और ये रही डायरेक्शन फ्लो का केबल, ये दोनों निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये साइड का 12 नंबर दोनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ जो दिया है एक 12 नंबर का बोल्ट, ये आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीग्रेट दिया हुआ रहता है। ये आप पैनल, यहाँ का मीटर का पैनल खोलेंगे तभी जाके निकलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं डैशबोर्ड पूरी खोल चुका हूँ, और जस्ट इसको मेरे को पलटी मारने का, पलटी मार के सीट के ऊपर होल्ड करूँगा, फिर आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने डैशबोर्ड खोल दिया, इसका निकाल दिया, सीट के ऊपर होल्ड कर चुका हूँ। और ये रही कंट्रोल पैनल या सॉरी कंट्रोल यूनिट, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम अब खोलने जा रहे हैं, खोल के फिर बाहर निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका जो बोल्ट है, सिर्फ एक ही 10 नंबर बोल्ट अंदर से दिया है, बाकी सब बाहर से दिया है। तो चलो हम बाहर का 5 बोल्ट रहेगा यानी 10 नंबर नट रहेगा, वो नट खोल के फिर हम इसको यूनिट को बाहर निकालेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैंने वाइपर का ऊपर का जो पैनल रहता है कॉल पैनल, वो निकाल दिया हूँ और वाइपर वगैरह खोल दिया हूँ। और उसके बाद इसमें 5 बोल्ट रहेगा, जो ये रही एक, और एक ये रही दो, और एक इधर रही तीन, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो ये 5ों बोल्ट खोलने के बाद ये कूलिंग कॉइल के पास का एक्सपेंशन वाल के पास जो ज्वाइंट दिया वो वाला, और हीटर कॉइल के पास ये वाली, दोनों निकाल के फिर हम आपको एसी कंट्रोल यूनिट बाहर निकाल के दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं बाहर सब 5ों बोल्ट नट खोल दिया हूं, और अंदर की जो एक रहती है वो भी खोल चुका हूं। अब ये इजीली बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये बाहर आ गया, ये वाली लग रही है केबल, देख पा रहे हैं पूरा बाहर आ चुका है। चलो अब हम इसको बाहर लेते हैं, बाहर लेकर के इवापोरेटर कॉइल खोलेंगे, फिर इसमें नया इवापोरेटर कॉइल डालेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको बाहर निकाल चुका हूँ, और ये ज़्यादातर लॉक में फिटिंग रहता है, एक स्क्रू इधर है और एक स्क्रू यहाँ, और 2 स्क्रू नीचे साइड दिया है, तो ये लॉक में फिटिंग रहता है, लॉक संभाल के निकालने का रहता है। तो लॉक टूट जाएगा तो ये ट्रे जल्दी बैठेगा नहीं, तो लॉक निकालने के बाद ईजिली बाहर निकल जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप इवापोरेटर कॉइल की कितनी हालत, कंडीशन ख़राब है, इसके वजह से लीक हो गया है। तो चलो अब हम इसको इसमें नया इवापोरेटर कॉइल डालता हूँ, फिर नया वाला इवापोरेटर कॉइल आपको दिखा देता हूँ, दिखा करके फिर हम नया वाला इवापोरेटर फिटिंग करेंगे। देख पा रहे हैं ये रही नया वाला इवापोरेटर कॉइल, और ये रही चीनी वाला जो
पूरा लीक हो चुका है और ये हमने मारुति से मंगाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है ये, आपको MRP भी दिखता होगा 2306। और चलो अब हम इसको नया वाला फिटिंग करते हैं, नया वाला फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं जीनी वाली इवेपोरेटर पर इधर है, नई वाली हम फिट कर चुके हैं। अब हम ब्लोअर वगैरह क्लीन करके सब इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, फिटिंग करके फिर गाड़ी में फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सब फिट कर चुका हूँ इसका, ऑल पैनल वगैरह, वाइपर वगैरह सब फिट कर दी हूँ, वहाँ पर ब्लेड वगैरह सब, और इधर की जितनी भी खोला था मैंने एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट और हीटर का जॉइंट पूरा खोल दिया हूँ, ये फिट कर दिया हूँ। और हमने इसमें प्रेशर भी मार के रख दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 300 से ऊपर है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए रखूँगा इसको, फिर देखते हैं प्रेशर होल रहता है क्या नहीं रहता है। फिर आगे अंदर दिखा देता हूँ, अंदर भी फिट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका AC कंट्रोल यूनिट पूरा बैठा चुका हूँ, और बैठाने के बाद फिर अब हम इसका डैशबोर्ड डालेंगे अंदर, डैशबोर्ड डालने के बाद सब फिटिंग करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, और देख पा रहे हैं आप डैशबोर्ड डाल दिया हूँ। चलो मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर पूरा फिटिंग करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं डैशबोर्ड पूरी तरीके से फिट कर चुका हूँ, ये देख पा रहे हैं पूरी तरीके से फिट हो चुकी है डैशबोर्ड गाड़ी की। और बाहर हम देख लेते हैं प्रेशर मार के जो रखा था, प्रेशर बरोबर होल्ड में है या नहीं है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेशर प्रॉपर होल्ड में है, देख पा रहे हैं 300.1 मारा था, 300 से ज़्यादा प्रॉपर होल्ड में। चलो अब हम इसको वैक्यूम में लगा देते हैं, फिर गैस चार्जिंग वगैरह करेंगे। क्या आप देख पा रहे हैं मैं इसको वैक्यूम में लगा दे रहा हूँ, मिनट के लिए वैक्यूम लगा दिया हूँ, फिर 10 मिनट बाद अपन देखते हैं इसको। अब देख पा रहे हैं अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, अब देख रहे हैं। चलो अब हम इसमें गैस मारते हैं, ₹400 मारता हूँ। चलो फिर हम अंदर गाड़ी चालू करते हैं, फिर AC चालू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी चालू किया हूँ और AC चालू किया हूँ और थर्मामीटर लगा रहा हूँ इधर। और इसका कूलिंग टेम्परेचर हम चेक करेंगे, थोड़ी देर गाड़ी चालू रखता हूँ मैं और कूलिंग होने देता हूँ, देखता हूँ कूलिंग कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6.7 पे कूलिंग आ चुका है। इसका ब्लोअर का स्विच देख लेते हैं, प्रॉपर चल रहा है, और ये एयर डायरेक्शन फ्लैप भी प्रॉपर चल रहा है, और आउटसाइड एयर प्रॉपर चल रहा है, AC स्विच प्रॉपर चल रहा है। अब हम एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें मैंने गैस 450 ग्राम आता है, यानी गैस चार्जिंग जो करते हैं तो इसमें 450 ग्राम गैस बैठता है, लेकिन मैंने 400 ग्राम गैस डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि अभी क्लाइमेट बार का जो है ना बहुत ठंडी है, ठंडी का मौसम लगभग 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड है आउटसाइड टेम्परेचर, तो कंप्रेसर में लोड ना आने की वजह से ज्यादा नहीं, गैस अगर आप ज्यादा डालेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर लोड ज्यादा आता है, इसकी वजह से मैं गैस कम डाला हूँ इसको। और देखिये कूलिंग भी उतना ही होगा, लेकिन कैसा रहता है कि अभी क्लाइमेट अगर गर्मी हो जाती है ना तो उस टाइम अगर गैस सिस्टम में कम रहेगा तो कूलिंग नहीं होगी, लेकिन ठंडी के टाइम में ऐसा मौसम अगर ठंडी है गैस कम है तो उस टाइम कूलिंग आपका मेंटेन कर लेता है, ये रीजन की वजह से मैं गैस कम डाला हूँ। तो चलो हम इसका हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखते हैं कितना तक जा रहा है, जब तक मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर 56 पे आ चुका है, यानी इसका सिस्टम प्रॉपर हो चुका है सभी। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।
अगर आपके दिमाग में या फिर आपके मन में कोई भी सवाल उठता हो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपको जरूर इसका आंसर दूंगा, जरूर। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।